चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर बुधादित्य और शशयोग की साक्षी में महालय श्राद्ध का आरंभ हो गया है। पंचांगीय गणना के अनुसार प्रतिपदा तिथि का श्रेय होने से इस बार श्राद्ध पक्ष 16 की बजाय 15 दिन का रहेगा। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। उज्जैन में पितृकर्म करने से व्यक्ति को अधिक पुण्य फल प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते देश भर से श्रद्धालु गया कोठा सिद्धवट और रामघाट पर तीर्थ श्राद्ध करने पहुंच रहे हैं। आज श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा है और 16 श्राद्ध चलते हैं। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक श्राद्ध होता है, अमावस्या तक ही, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध होता है। आज से 15-16 दिन बाद तो सर्वपित्रो अमावस्या आएगी, उस दिन श्राद्ध की समाप्ति हो जाती है। ऐसा माध्यम है कि विधि के अनुसार 16 दिन तक श्राद्ध करने से अपने पितरों का मोक्ष होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी आदमी यहाँ पर आकर अपने पितरों जो पूर्वज जो चले गए देवलोक को उनका पितृ श्राद्ध या पितृ अर्पण करता है तो उनके पितरों का मोक्ष प्राप्त होता है और उन पितरों की तृप्ति होने से उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि सबकी प्राप्ति होती है। धन यश वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और पितृ अगर तृप्त होता है तो परिवार में सभी लोग तृप्त रहते हैं।